हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विदिशास क्रिएशंस। लास्ट वीडियो में हमने इतना किया, बट पर्सनली आई फील कि उतना इम्प्रेसिव ये नहीं आया जो कि 3D आर्ट में आना चाहिए, बिकॉज ऑफ जो कलर कॉम्बिनेशन था वो एंटीक गोल्ड के साथ जो गया है जनरली आ जाता है, बट इस पे नहीं आ रहा है। तो आई थॉट कि हम इसको वापस कलर करेंगे और आपके साथ कलर करेंगे, जिससे आप अगर वो वाला ये वाला सेम रखना चाहते हैं तो आप इसको रख सकते हैं। अदरवाइज जो अब हम बनाने जा रहे हैं उसके साथ हम कुछ काम करेंगे। ये है हमारा पैलेट, ठीक है। ड्राई होने के बाद चीज़ें समझ में आती हैं। अब मैंने यहाँ पे लिया सिर्फ ब्लैक कलर, क्योंकि जो गोल्डन कलर है वो ब्लैक कलर के साथ इन्हेंस होगा, बट ब्राउन के साथ वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस नहीं हो रहा है। तो हमेशा की तरह एक वाटर कंटेनर भी साथ में रखेंगे, और ये फ्लैट सॉफ्ट ब्रश है हमारे, पानी में डिप करेंगे, ठीक है। एक सॉफ्ट क्लोथ लेके इस पर अपने ब्रश को आपने जस्ट हल्का सा टैप किया, ओके। अब यहाँ कलर लेने के बाद सबसे पहले हम सब पूरा ब्लैक कलर करेंगे, ठीक है। एवरीथिंग वी हैव टू कलर दिस बैकग्राउंड इन ब्लैक कलर। क्योंकि मैं खुद ही सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो फिर मैं आपके साथ, फिर मुझे लगा कि नहीं मुझे करना चाहिए, क्योंकि वंस आई गेट सेटिस्फाइड देन मैं आपको एक अच्छा रिजल्ट दे सकती हूँ। बट पर्सनली मुझे ये लगा कि हाँ इसको हमें दूसरे तरह से करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं टोटल सब कुछ ब्लैक कर रही हूँ, ठीक है। पूरा बैकग्राउंड मैं बिल्कुल भी पानी ना के बराबर ले रही हूँ, जिससे हमारा बैकग्राउंड, ऑलरेडी हमारा बैकग्राउंड डार्क शेड में है तो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगेंगे और आपका ये जो बैकग्राउंड है वो रेडी हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, अगर अब हमारा ब्रश नहीं चल रहा है तो मैंने सिर्फ टिप पे थोड़ा सा वॉटर लिया, ठीक है, और यहाँ पे इसको, ये हमारा पंचवर्णा कोर्स के अंदर जो 3D आर्ट था उसमें था, और एक हमारा अलग से भी 3D आर्ट चल रहा है जिसमें हम श्रीनाथ जी बना रहे हैं, बट वो सेपरेट कोर्स है, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग के साथ है और काफ़ी वो बड़ी पेंटिंग है इससे। और ये हमारा था पंचवर्णा के अंदर, जिसमें आपको सारी आर्ट फॉर्म एक सिंपल वे में सिखाई जा रही थी। अच्छा लगा मुझे कि आप लोगों ने बहुत पसंद किया, क्योंकि एक बार आपको आइडिया हो जाता है तो आप उस मेथड के साथ कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये अब हमारा हो रहा है ब्लैक कलर, आप देख रहे होंगे ब्लैक के साथ ही गोल्डन अपने आप में इन्हांस हो रहा है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे पूरा बैकग्राउंड ब्लैक चाहिए, ब्लैक होने के बाद इसकी ब्यूटी को आप क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है। ये मुझे, मैंने पूरा ब्लैक कलर किया। आई डोंट थिंक कि इसको सेकेंड कोट की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने बहुत ही थिक कलर के साथ किया है, पानी बहुत लेस यूज़ किया है, तो जो हमारा बैकग्राउंड का बेस है बहुत ही नीट आ रहा है एक ही कोट में। वैसे भी ब्लैक कलर डार्क कलर होता है, तो और नीचे भी ऑलरेडी डार्क बैकग्राउंड है तो उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई डोंट थिंक सो कि सेकेंड कोट की ज़रूरत पड़ेगी, बट हम इसको ड्राई होने के बाद एक बार चेक करेंगे। अगर लगता है कि हाँ सेकेंड कोट इज़ रिक्वायर्ड, देन विल डू डेफिनेटली, ओके। ये हमारा बैकग्राउंड रेडी है। अगर आपको लग रहा है सेकेंड कोट, थोड़ा सा वेट करिए, टू मिनट्स। ये देखिए एक शाइन आ रहा है, अच्छा शाइन। तो जस्ट हम 2 मिनट वेट करते हैं,
ठीक है, उसके बाद हम इस पर सेकेंड कोट लगाएंगे अगर रिक्वायर्ड होगा तो। ठीक है, तो चलिए पहले वेट कर लेते हैं। अभी हमारा ये ड्राई हो चुका है, मैंने 2 मिनट्स वेट किया। अभी मुझे क्या लग रहा है, थोड़ा सा एक कोट कर देती हूँ फॉर नाइस फिनिशिंग। ओके, मैंने अगेन ये ब्लैक कलर लिया, ब्लैक एक्रेलिक कलर। ब्रश को मैंने पानी में डिप किया था, इसको मैंने पोंछा। अब मैं जहाँ पे पूरी जगह मैं नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है जहाँ है ज़रूरत वहाँ पे मैं लगा रही हूँ। ठीक है, फिर थोड़े से पानी के साथ इसको मैं स्प्रेड कर रही हूँ। सेकेंड कोट में आप थोड़ा पानी लगा सकते हैं, क्योंकि आपका फर्स्ट बेस कोट आपको बहुत फाइन मिला हुआ है, तो सेकेंड कोट में अगर आपने थोड़ा सा पानी मिलाया तो वो अच्छे से स्ट्रेच होगा, कलर आपका बहुत अच्छे से स्प्रेड कर पाएंगे फाइनली, और आपका एक नीट वर्क आएगा। और इस टाइम अगर आप अपने कलर को बहुत स्ट्रेच करेंगे विदाउट वाटर तो एक मार्किंग आ जाएगी। ठीक है, तो उससे बचने के लिए आप अपने ब्रश को थोड़ा सा पानी के साथ डिप ज़रूर करिए। देखिए मैं एवरी टाइम कर रही हूँ, यहाँ पे मेरा पानी है, सेकेंड कोट है और ये अब बहुत फाइन आ रहा है। हमारा सेकेंड कोट हो गया है, इसके बाद ये अभी ड्राई हो रहा है। पर अब आप डिफरेंस देखिए, जब पहले हमने ब्राउन कलर के साथ किया था तो ये चीज़ें इन्हांस हो ही नहीं रही थी, अभी ये चीज़ इन्हांस हो रही है जो कि बहुत सुंदर लग रही है। इसको हम वापस करेंगे गोल्डन कलर से। गोल्डन कलर जो यूज़ करना है वो आप ट्यूब कलर भी यूज़ कर सकते हैं, ट्यूब मीन्स एक्रेलिक ट्यूब कलर, या फिर आप बॉटल वाली कलर भी यूज़ कर सकते हैं गोल्डन कलर को बनाने के। लास्ट टाइम मैंने यूज़ किया था बॉटल कलर, इस टाइम पे जो मैं कलर ले रही हूँ गोल्डन, वो है हमारा ट्यूब कलर, जो कि मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ। मेरी इसमें ख़त्म हो गया है, यस इट इज़ ओवर। तो अगेन मैं वाटर कलर यूज़ करूँगी, क्योंकि हमारे पास वाटर कलर है। अभी आप अगेन कोई सॉफ्ट ब्रश लेंगे, फ्लैट ब्रश ही लीजिए। ठीक है, और अभी क्या करना है, बॉटल कलर डायरेक्ट आप डिप कर सकते हैं, और ये देखिए इसको थोड़ा सा और डार्क बनाइए, इवन इसको पूरा गोल्डन करिए। ठीक है, उसके ऊपर हम थोड़ा सा कुछ टेक्सचर देंगे। ओके, ये देखिए बहुत अच्छे से आप इसको, ये जैसे हमारा 3D है उसी तरह हम 5D आर्ट भी बनाते हैं। जितना एम्बॉस कर लेंगे, जितना ज़्यादा इन्हांस कर लेंगे इस चीज़ को, उतना ज़्यादा वो 3D होता जाएगा। ओके, ये एक छोटा सा एग्जांपल था, आप लोगों को आई होप पसंद आया होगा, और आप प्लीज़ बनाइए, हमारे साथ शेयर करिए। ठीक है, ये देखिए इसमें ट्विस्ट क्या डालेंगे अभी हम, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। पहले मैं कलर कर लूँ सब जगह बहुत अच्छे से, इसको बहुत अच्छे से हमने कलर किया। ठीक है, हर जगह बहुत अच्छे से फिल करिए। थोड़ा सा पानी लेके इसको अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए, ताकि कलर कहीं भी एक सा नहीं रहे। मैंने बहुत थोड़ा पानी लिया, ये देखिए जब मैं स्प्रेड कर रही हूँ थोड़ा वाइट वाइट से आपको दिख रहा होगा, क्योंकि स्प्रेड हो रहा है। ठीक है, उसके बाद बिल्कुल अच्छे अच्छे से, क्योंकि अभी नहीं पता लगेगा, बट जब ये एक बार सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा, तो अगर आपका कहीं छूटा है तो वो दिखेगा। ठीक है, अगेन मैंने पानी लगाया, ये देखिए इसकी हेल्प से मैं इसको प्रॉपर अभी, ये मेरा साइड पोर्शन है जिसको मुझे गोल्डन ही करना है, क्योंकि अगर हमने उसको ब्लैक रखा तो वो 3D दिखेगी नहीं। देखिए ये देखिए
इसी तरह ये जो आपकी दिया बना रखा है लैम्प, इसमें भी आप साइड से गोल्डन करिए। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा ड्राई होने से पहले ही मैं ले रही हूँ थोड़ा सा ब्लैक कलर, सॉरी वाइट कलर, बहुत थोड़ा सा। ये देखिए, बहुत थोड़ा सा मैंने वाइट कलर लिया है। एक साफ ब्रश लीजिए, बिल्कुल क्लीन ब्रश, ठीक है। मैंने ये ब्रश जो लिया है वो 4 नंबर फ्लैट ब्रश है, और उसके साथ मुझे कहीं कहीं ये देखिए मैं सिर्फ हल्का, ताकि हमारी एक गोल्डन के साथ एक हल्का सा टेक्सचर आ जाए। आप देख रहे हैं ये क्या होगा, ये शाइनी इफेक्ट देगा आपकी बेल को, बहुत हल्के से। देख रहा, एक शाइनी सा इफेक्ट, एक लाइटी सा इफेक्ट आएगा आपको। और इसको बिल्कुल साइड में नहीं करना है, सिर्फ आपको यहाँ पे करना है। इसी तरह आपको यहाँ पे भी करना है, ठीक है, और इसी तरह आपको यहाँ पे भी करना है। साइड पोर्शन में नहीं करना है, क्योंकि एक लाइट सा इफेक्ट दे रहा है आपकी पेंटिंग को। बहुत हल्के हाथ से, बिल्कुल भी प्रेशर मत डालिए, ठीक है। ये देखिए, और अब इसके बाद जब ये ड्राई होगा तो हम इसमें प्रोटेक्शन लेयर लगाएंगे, क्लियर वार्निश, जो कि बहुत ज़रूरी है इस पेंटिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसा कि आपने, ये आपकी होममेड क्ले है जिसके साथ आपने 3D आर्ट बनाई है, तो कभी भी इसमें कीड़े या फंगस नहीं लगेंगे, बिकॉज इसमें ऑलरेडी वेनेगर वगैरह है, ठीक है। तो उसकी कोई टेंशन मत लीजिए। अब जो मुझे हाईलाइट करना है पोर्शन, ये वाला पोर्शन मैं वाइट करूँगी। आई एम नॉट टेकिंग गोल्ड कलर, बिकॉज बहुत ज़्यादा गोल्ड लेने से, ये देखिए, इसको मैं हल्के एक बारी ब्रश में मैंने कलर लिया है। ओके, अगेन मैं ब्रश में कलर ले रही हूँ। यहाँ पे ज़्यादा है, अपने कलर को आप थोड़ा सा अगर आप इस तरह टैपिंग में कंफर्टेबल नहीं है, तो आप अपने ब्रश के साथ ऐसे भी काम कर सकते हैं। थोड़ा सा वेट है इसलिए, बिल्कुल क्लोज क्लोज रखिए। जितना ब्रश में कम कलर होगा उतना नीट आपका और इजली आपका हो जाएगा। ब्रश के दूसरे साइड से, ठीक है। अभी आपका एक नाइस पीस रेडी हो चुका है, ये देखिए, बिल्कुल सिंपल सा 3D आर्ट, जो कि अपने आप में बहुत यूनिक और बहुत अच्छा। इसमें आप कुछ भी बना सकते हो। मैंने लास्ट क्लास में जो करवाया वो था एक फ्लूट, हमने एक फ्लूट बनवाया था, उसको हाईलाइट करवाया था। उसके अगर अलावा आप यहाँ पीकॉक फैदर बना सकते हो, बट ये हमारे लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट था, बेल, जो हमने इस वाले सेशन में रखा था। सेम मेथड के साथ, सेम क्ले के साथ, सेम इवन आप क्ले मेकिंग आपने ऑलरेडी इसमें सीखा हुआ है,
आप लोग वो भी क्ले यूज़ कर सकते हैं, क्ले कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास खुद की होममेड क्ले नहीं है देन यू कैन यूज़ योर रेडीमेड क्ले, आप बाज़ार से खरीद कर सकते हैं और उस क्ले को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे। तो सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय।